दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवीश और आप हमारा YouTube चैनल द मास्टर ट्रिक्स देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको जो गेम दिखाएंगे उसमें ब्लैक की क्वीन न सिर्फ कुछ ही चालों में ट्रैप हो जाती है बल्कि उसके बाद ब्लैक का खेल भी तुरंत खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत होती है क्वीन पान ओपनिंग के साथ, यानी कि d4 d5, और उसके बाद यहाँ पर व्हाइट द्वारा नाइट c3 खेला जाता है। अब ये जो वेरिएशन है ये चिगोरियन वेरिएशन कहलाता है। इसके जवाब में ब्लैक यहाँ पर नाइट c6 खेलता है। तो अब ये ओपनिंग जो है ये वैन गीत ओपनिंग कहलाती है। इसके बाद व्हाइट यहाँ नाइट f3 और ब्लैक फिर नाइट f6 खेलता है। तो इस तरीके से अब यह गेम जो है 4 नाइट्स गेम में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके बाद व्हाइट यहाँ e4 खेलता है और उसके बाद ब्लैक के द्वारा बिशप g4 खेला जाता है, जिसके पीछे उसका उद्देश्य होता है f3 के नाइट को क्वीन से पिन करना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर व्हाइट d5 को कैप्चर कर सकता है e4 से, लेकिन d5 को कैप्चर ना करके व्हाइट यहाँ खेलता है e5, जिसके बाद ब्लैक f3 के नाइट को अपने बिशप से कैप्चर कर लेता है और उसके बाद इस बिशप को व्हाइट अपने क्वीन से कैप्चर करता है। और अब देखिए यहाँ पर जो f6 का नाइट है ब्लैक का, वह d7 पर जंप करता है, जिसके बाद व्हाइट d5 को अपने c3 के नाइट से कैप्चर करता है और ब्लैक को d4 को कैप्चर करने के लिए ऑफर करता है। ब्लैक इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और अपने नाइट से d4 को कैप्चर कर लेता है, जिसके पीछे उसका उद्देश्य होता है एक तो क्वीन पर अटैक करना और दूसरा c2 पर अटैक करना। तो c2 पर अटैक करके देखिए किंग और रुक दोनों पर एक साथ अटैक किया जा सकता है। तो इस इरादे से ब्लैक यहाँ पर d4 को नाइट से कैप्चर कर लेता है, लेकिन व्हाइट यहाँ पर खेलता है क्वीन e4। और अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वीन e4 खेलकर न सिर्फ वह नाइट पर अटैक कर रहा है बल्कि c2 को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो नाइट वापस c6 पर चला जाता है ब्लैक का, और उसके बाद देखिए यहाँ पर व्हाइट के द्वारा खेला जाता है e6, और e6 खेलने के बाद देखिए एक बार फिर से जो d7 पर नाइट है वह f6 पर आ जाता है और इससे क्वीन पर अटैक होता है व्हाइट के। लेकिन इसको इग्नोर करते हुए व्हाइट के द्वारा यहाँ पर देखिए e6 से f7 को कैप्चर कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर किंग को चेक होता है। तो किंग अब इस f7 को कैप्चर कर लेता है, और अब इसके बाद देखिए क्या है कि व्हाइट यहाँ पर जो f6 का नाइट है उसको अपने d5 के नाइट से कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पर अब देखिए ब्लैक क्या करता है, ब्लैक इस नाइट को e7 से कैप्चर कर लेता है, और ये ब्लैक की भारी भूल साबित होती है। कैसे? क्योंकि इसके बाद अब व्हाइट देखिए बहुत ही ब्रिलियंट मूव खेलता है और वह बिशप c4 चेक देता है ब्लैक के किंग को। और अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लैक की क्वीन ट्रैप हो चुकी है, क्योंकि उसके पास इस चेक को डिफेंड करने का अब कोई रास्ता नहीं है। तो अब ब्लैक को यहाँ पर इस चेक को डिफेंड करने के लिए खेलना पड़ता है क्वीन d5, यानी कि क्वीन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ब्लैक को, क्योंकि उसका खेल खत्म होने वाला है। और व्हाइट इसके बाद यहाँ पर बिशप से इस क्वीन को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लैक का खेल खत्म हो गया, चेक एंड मेट हो गई। तो ये एक तरीके से ट्रैप था व्हाइट का, जिसमें ब्लैक फंस जाता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।